नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। बीजेपी से विधायक रहे नारायण त्रिपाठी ने बनाई विंध्य जनता पार्टी। मेहर से विधायक रह चुके हैं नारायण त्रिपाठी, विंध्य जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी की। पहली सूची में 25 प्रत्याशियों के नाम घोषित। मेहर से चुनाव लड़ेंगे नारायण त्रिपाठी। भोपाल को दक्षिण पश्चिम में भी उतारा विंध्य जनता पार्टी ने प्रत्याशी। भोपाल से संवाददाता आशीष द्विवेदी की रिपोर्ट। जय जय विंध्य प्रदेश। जय जय विंध्य प्रदेश। जय जय विंध्य प्रदेश। इस मंच में हमारे विंध्य जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश शुक्ला जी हैं, सम्माननीय उमा शंकर तिवारी जी जो विंध्य प्रदेश की पुनर्निर्माण की अलख हमेशा जगाते रहे। आज सब आप लोगों से सिर्फ निवेदन ये करूंगा कि आज हम जो चुनाव होने जा रहे हैं उसकी कुछ लिस्ट जारी करने जा रहे हैं। बहुत दिनों तक प्रेस मीडिया में आप सब लोगों से मुलाकात करते रहे, तमाम सवाल जवाब होते रहे। आपके वही पुराने सवाल होंगे, वही हमारे जवाब होंगे। निवेदन करते हुए आग्रह करूंगा कि आज सिर्फ लिस्ट आप लोगों को सौंपूंगा, कुछ अपनी बातें करूंगा, 1-to-1 या अन्य किसी विषय पर अपन बात न करें। बहुत चीज़ें कर चुके हैं। आज का दिन, तारीख और समय इतिहास के पन्ने में लिखा जाएगा। हमने विंध्य के पुनर्निर्माण की मांग कोई पहली बार नहीं, 2004 से लगातार उठाए हैं और अलग अलग दल के सभी लोगों की जानकारी में है। 2004 में समाजवादी पार्टी से MLA था, तब विंध्य के पुनर्निर्माण की बात उठाया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कह दिया था कि हम बड़े राज्यों के पक्षधर हैं, महासंघ की बात करते, इसको बंद कर दो, बंद कर दिए। 2009 में कांग्रेस में आए तब फिर से चालू किए और लगातार हर साल जब जहां मौका आया तो विंध्य के पुनर्निर्माण की बात रखी। भारतीय जनता पार्टी वालों ने जब हमें लेके आए तो हमें लगा कि जिनके द्वारा 3-3 राज्यों का गठन हुआ, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, अब हमारा विंध्य का पुनर्निर्माण आसान हो जाएगा, परंतु उसमें भी बात रखने पर हमें बागी और बगावत वाला बना दिया गया। इसके बाद क्रमशः चलता रहा, आगे समय आया, कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि हमें लगा कि ये लड़ाई हम तब लड़ पाएंगे जब हमारा कोई मंच होगा। तो हमने विंध्य जनता पार्टी का गठन करने का प्रयास किया। बड़ी मुश्किल से पार्टी का गठन हुआ, बड़ी मुश्किल से सिंबल मिला और अंतिम दौरान जब हमें ये लग रहा था कि हम विंध्य जनता पार्टी के द्वारा अपने लोगों को चुनाव नहीं लड़ा पाएंगे कि अचानक अभी 4-5 दिन पहले हमें आप लोगों के द्वारा ही पता चला कि निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव लड़ने की मान्यता हमें मिल चुकी है। तब अचानक में हम प्रयास करके सब लोगों को जोड़ने का काम किए और ये तय किए कि अब हम चुनाव लड़ेंगे। विंध्य का पुनर्निर्माण विंध्यवासियों के लिए वही है जिस तरह भारत को आज़ाद कराने के लिए तमाम क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत दी, अपनी बलि दी। ये विंध्य का पुनर्निर्माण का जो विंध्य जनता पार्टी का गठन हुआ वो कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं किया गया, ये हमारा भावनात्मक उद्देश्य है कि हमारे बाल बच्चों का भविष्य भी बेहतर हो, हमारे यहाँ भी पढ़ाई की व्यवस्था, दवाई की व्यवस्था, वहाँ का डेवलपमेंट हो। जो जिस तरह शोषण, छल कपट, धोखा किया गया उससे लोग मुक्ति पाएँ और अपने बाल बच्चों का भविष्य का पुनर्निर्माण कराएँ। राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर जी का 1911 में लिखा गया था, 1950 में प्रकाशित हुआ था। उसमें उल्लेख है कि विंध्य हिमांचल यमुना गंगा, वो विंध्य गायब है, हमारा राष्ट्रगान को पूर्ण किया जाए, ये प्रधानमंत्री जी को भी चाहिए और मुख्यमंत्री जी को भी चाहिए। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।